हिमाचल प्रदेश में मानसून ने लोगों की दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। पानी और सिंचाई की 1044 योजनाओं में गाद भरने से पेयजल के लिए हाहाकार मच गया है। राजधानी शिमला के कुछ क्षेत्रों में तो चौथे दिन सोमवार को भी पीने का पानी नहीं मिला। लोग टैंकर मंगवाकर पानी का इंतजाम कर रहे हैं। यही नहीं, जगह जगह भूस्खलन की वजह से प्रदेश भर में 301 छोटी बड़ी सड़कें बंद हो गई हैं। बिजली के 140 ट्रांसफार्मर बंद है। कीरतपुर नेरचौक फोर लेन भी सोमवार को प्रभावित रहा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लिए प्लम लेकर निकली करीब 100 गाड़ियां यहां फंसी हुई हैं। कुल्लू मंडी के बीच नेशनल हाईवे बंद होने से सोमवार सुबह कुल्लू में दूध, अखबार और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति नहीं हो पाई। कालका शिमला के बीच 8 अप और डाउन ट्रेनें भी सोमवार को रद्द हो गईं। मंडी के बागी नाला में बादल फटने से आई बाढ़ के चलते एक स्कूल भवन ढह गया। शिक्षा विभाग को इससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। नाले के बहाव में एक महिला गौशाला समेत बह गई है। इनका अभी तक सुराग नहीं मिल पाया। बिलासपुर जिले में मक्की की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। झंडूता की आधा दर्जन पंचायतों में मक्की की फसल बह गई है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में मंगलवार को भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 28 से 30 जून तक बारिश का येलो अलर्ट है। शिमला, सोलन, सिरमौर और मंडी जिला में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मानसून इस दौरान पूरी तरह से सक्रिय है। N1 लाइव की खास रिपोर्ट।